नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आज लगभग दो दिन हो गए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या लिखूं उनके बारे में। भयंकर दुख है, तकलीफ है। पर्सनली मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं उनकी फिल्में ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हैं। तीन दिन से ना मैं मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं सदमे में हूं और वाकई सदमे में हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। सारे लोगों ने पोस्ट पर वही एक चीज हमेशा, भगवान ओम शांति, आत्मा को शांति दे। एक कुशल अभिनेता, एक सक्सेस अभिनेता जिसने टेलीविजन से अपनी शुरुआत की और सिनेमा में अपना झंडा गाड़ा, बहुत तकलीफ में रहे होंगे, मानता हूं इस बात को, दुख में रहे होंगे, लेकिन यह रास्ता ठीक नहीं था। आत्महत्या विकल्प नहीं था। चलिए, मैंने मान लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसी लॉबी काम कर रही हैं जिन्होंने उनकी फिल्में छीनी, उनका करियर बर्बाद कर दिया, तो क्या हुआ? सिनेमा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए जज्बा, जज्बे का होना बहुत जरूरी है। मिट्टी फांक फांक करके, बड़ा पाव खा के, सड़क पर सो करके तो हमें कामयाबी मिलती है, फिर वो चंद लोग आते हैं और आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जाने वाला तो चला गया, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सदमा देकर चला गया, हमें आंसू देकर चला गया, लेकिन मैं उन अभिनेताओं से कहना चाहता हूं जो रोज शिकार होते हैं लॉबी का, जो रोज शिकार होते हैं किसी न किसी ऐसे लोगों के बीच में उनका शोषण होता है जहां पर उनके हाथ से फिल्में छीन ली जाती हैं। उन तमाम लड़कियों को जानता हूं मैं, तमाम हीरोइनों को जानता हूं, छोटी मोटी कलाकारों को जानता हूं। साइन होने के बाद अचानक पता चलता है कि वो फिल्म में नहीं है, रोती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं करती। आत्महत्या विकल्प नहीं है। मैं तमाम एक्टरों, अभिनेताओं से कहना चाहता हूं, खासकर अपने भोजपुरी के अभिनेताओं, हिंदी के अभिनेताओं, सबसे कहना चाहता हूं, लड़ो यार, चला जाएगा हाथ से स्टारडम, चला जाए। मैं इस स्टेज पर आके मैं बताऊं, मैं एक एक्टर हूं और एक अभिनेता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। नाटक करता हूं, थिएटर करता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सड़क पर आ जाऊं, मैं खेती करूंगा और खेती के साथ साथ मैं नाटक भी करूंगा, गांव में नाटक करूंगा, रामलीला करता रहा ना बचपन में, फिर करूंगा, लेकिन मौत को गले नहीं लगाऊंगा। जो खुद नेचुरल चीज है, जिसे भगवान खुद एक दिन देने वाला है, उसे आप अपने हाथ पहले दे दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कायरों का काम है, और मैं तमाम अभिनेताओं से कहना चाहता हूं, टेक्नीशियन से कहना चाहता हूं, अपने राइटर डायरेक्टर से कहना चाहता हूं, लड़ सकते हो तो लड़ना, और क्यों नहीं लड़ सकते हो, इस फील्ड में पैर रखे हो तो लड़ो, मौत को गले मत लगाओ, ये कायरों का काम है, और कायर कभी कलाकार नहीं बन सकता। और जिन्होंने कुकर्म किया है, जिनकी वजह से एक एक्टर या एक कलाकार की मौत होती है, उन्हें तो उसकी सजा मिलेगी नहीं। और क्या नहीं दिया था सुशांत सिंह को भगवान ने, पूरा हिंदुस्तान जानता है उनको पूरा, मुझे कहता, मुझे तो लगता है एशिया में लोग जानते हैं उनको पूरा, आलीशान जीवन जी रहे थे, ठीक है समझौता कर लेते। भाई, वो बड़ी अच्छी कहावत है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बैलेंस बनाती है प्रकृति, आपका काम है उससे लड़ना। मैं राइटर नहीं हूं, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, पर दिल से बात निकल रही है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन रहा हूं सुशांत सिंह का। धोनी 50 बार देखी है मैंने उनकी, मैंने छिछोरे जब देखी तो मैंने कहा था क्या परिपक्व अभिनेता है, बहुत दुख दिया तुमने सुशांत सिंह राजपूत, और तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है, तुम्हारे पीछे तमाम एक्टर जो डिप्रेशन में जी रहे हैं वो भी वही रास्ता अख्तियार कर ले। लड़ो मेरे दोस्तों, मैं भी डिप्रेशन में हूं, घर बैठा हूं 2.5 महीने से, काम नहीं है, परिवार मुंबई में है, तो क्या करूं, आत्महत्या कर लूं? यही रास्ता बचा है आत्महत्या करने के लिए?
लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। और बहुत सारे एक्टरों को जानता हूं जो इस वक्त खाने को मोहताज हैं, लेकिन उनकी उनके स्टेटस देखता हूं, उनका उनका जज्बा देखता हूं तो लगता है वाह क्या बात है। मेरा दोस्त कृष्णा बंसल छोटा मोटा एक्टर है, वन डे टू डे करता था, आज काम नहीं है, सब्जी बेच रहा मुंबई में और गा गा के सब्जी बेच रहा चैलेंज के साथ। मैंने बोला तुम योग पुरुष हो मेरे भाई, यार कर्म योद्धा है हम कलाकार, यार हम परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते तो किस बात की कलाकार। आपकी आत्मा को शांति मिले सुशांत भाई, और उन तमाम कलाकारों से हाथ जोड़कर कहता हूं आत्महत्या विकल्प नहीं है। लव यू।